you. Thank you. Hello and welcome to Kapil Sharma Show ne Atrangi Show. आज तुम शो शुरू कर रहे हो? हाँ तो क्यों? कपिल कहाँ है? पहले आप ये बताइए सिद्धू जी कहाँ है? मैंने उन्हें गायब कर दिया. तो बस मतलब जादू आप ही को आता है, आप ही गायब कर सकते हैं. मैं जादू नहीं कर सकता. अच्छा, मैंने भी शो पे सबको गायब कर दिया है. आज यहाँ पे होगा सिर्फ मेरा शो, अतरंगी शो. मैं जादूगर नहीं हूँ असल जिंदगी में. हाँ. लेकिन मैं एक जादूगर का किरदार निभा रहा हूँ. आप में से यहाँ कौन आना चाहेगा? आया, तू आ जा. वाओ, ओके, मान दिया. ओके, हाँ, कोट रख, कोट रख मेरे ऊपर. मेरे ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर रख. अब एक काम कर, वहाँ वो पड़ा हुआ है, वो रे, पानी 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 पड़ा कहीं? अबे वो रे उधर. हाँ, ठीक है, खोलना. हाँ ठीक है, अभी एक काम करो, आगे ये खोलो, ये निकालो कोट. हाँ, अभी वापिस डालो, माइक उठाओ, लाओ मैं बात करूं कुछ. चलिए, अभी तक इस आदमी को समझ नहीं आया. कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा. भाई साहब, इन्होंने आपका इनको क्या किया? हाथ बांधा? बांधा? खोला नहीं ना? नहीं नहीं खोला. हाँ नहीं खोला, उनके हाथ खोले नहीं है ना, बंधे हुए हैं ना? मैंने बंधे हुए हैं. हेले खोल ले, देख ले. अबे तो पानी जब मैं पी रहा था, किससे पी रहा था? तो फिर कैसे खुला? अभी क्या देख ही नहीं पाया मैं. देख ही नहीं पाया कहते हैं. पीने पर देखना जब एपिसोड आए. खोलिए. वंडरफुल यार अक्षय. जाओ, कहाँ से हो? मैं कानपुर से हूँ. कानपुर से? ठीक है, वहाँ बैठो फिर. आपसे मिलने की चाहत. ओके ओके ओके. चलिए, आपका चश्मा कहाँ है? मेरा. चलो मैं ऊपर आता हूँ, एक सेकंड. मेरा चश्मा तुम्हें क्यों चाहिए? बहुत महंगा चश्मा है, गायब मत करिए. अरे नहीं गायब कर रहा मैं. ये देखो, ये चश्मा आपका. Actually, मैं just see. Look at your glasses. देख ले, कुछ नहीं है. How did it move? चल रहा कभी. शुगर है, तोड़े नहीं तूने यार. हाँ, आपके पास आके आपका ही चश्मा तोड़ के घर चला जाए. अभी देख, यहाँ पर कपिल के ही शो पर आकर तूने कपिल का शो ले लिया ना. कहाँ कपिल का शो ले लिया, पैसे तो वही ले रहा है. चलिए, हमेशा की तरह मुझे बहुत मजा आता है कपिल के शो पे आने के लिए. यहाँ अर्चना जी मिलते हैं, ये सब लोग मिलते हैं, आप सब से मुलाकात होती है और हंसता खेलता शो है. Yes, yes. किसी बात की टेंशन नहीं होती है. अब मैं आपके सामने जो होस्ट है हमारे, कपिल शर्मा जी. कपिल शर्मा जी, अब आ रहा. पाजी, प्रणाम.
जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए। और कुछ बचा कर लो, मैं आता हूँ। आ जा। मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा चैनल ने कोई नया जादू का शो शुरू कर दिया पाजी को। आ जा। ये तेरे टीआरपी के लिए ही हो रहा सारा कुछ। मैंने एक बात बतानी थी आपको। बताओ। गेट के बाहर ना एक लाल रंग का गमला है, उसके नीचे चाबी रखी रहती है हमारे यहाँ की। हाँ। जब आपका मन करे आके शुरू करके चले जाया करो, उधर रख दिया करो। तो तेरे को कैसे पता? मुझे नहीं पता इसके बारे में। तेरी चाबियां जिस जिस घर के कहाँ कहाँ पड़ी है सब पता है। तूने कितने घर ले रखे हैं, लोखंड वाला से लेके बांद्रा तक। इस आदमी के इतने घर हैं। ये जब आया था रेंट पे रहता था, कहीं 100 रुपए का रेंट देता था। 100 रुपए का रेंट मुंबई में कहाँ होता है बताओ आप? मैंने 300 का दिया है। आप आई भी तो 1960 में थी। मेरी बात सुनो, पहले मुझे लगता था हमारे शो में पाजी की फिल्में आती हैं। हाँ। अब मुझे लगने लगता है इनकी फिल्मों में हमारा शो बीच बीच में आता है। वाओ। हेलो सो, वेलकम बैक सो। अतरंगी के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बढ़िया। वैसे सर, पिछली बार आप आए थे, आपने एक वादा किया था मुझसे कि ये और इनके साथी कलाकार जो मेरा मजाक उड़ाते हैं आप उसका बदला लोगे, तो आज वक्त आ गया है कि आप अपना वादा निभाएं। इसको याद रहता है। और कुछ याद रहे ना रहे, कोई डायलॉग याद रहे ना रहे, लेकिन ये सारी चीजें इसको याद रहती है। चलो बुलाओ, कहाँ सब लोग? आज हम करेंगे उनका BKP। BKP मतलब बेइज्जती का पिटारा। ओके आओ। आज जो इस लड़की को पिछले शो में वादा किया था वो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। सबको बुलाइए बुलाइए, आइए। आओ फटाफट, चार चार बेइज्जतियां करवाओ और घर निकलो चेक करके। आ जाओ। अबे छोड़ दे। ये पहले पता पैर क्यों पड़ रहे हैं? ताकि आप थोड़ा ख्याल रखो। कैसे आप लोग? सेम वैसे अभी तक ठीक है। चाय पानी पिला दीजिए। कहाँ से पिला दूँ? उसने अपनी दुकान बंद कर दी। वो बात तो है। नहीं, ये आपके जूते पे ये कांटे क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कहाँ जाएंगे ये जूते। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। आप लोग इस बेचारी को परेशान करते हो, क्यों करते हो? इसके होंठ बड़े हैं, ऐसा क्यों बोलते हो? वो सर पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। तो क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? नहीं सच्ची में क्यों नहीं बोलते? इतना मजा आता है कि बोला करो। चलो अच्छा, तो तू बता किससे शुरू करे? चंदू से। चंदू भाई आ गया। बस करो यार, अभी बेइज्जती होने वाली है। वो इतना बड़ा भी नहीं है। चांदू ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है। चले रेडी। चंदू जी के बारे में आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ओहो ठीक है, दिखाओ भाई। दो भाइयों घर में, तो माँ कहती है कि वो बच्चे कहते हैं पहले माँ। आपका जी नहीं? No, तुमने खाए कभी? ले लो, इसी बहाने मैं भी ले लूंगा। आप ले लो। बहुत अच्छा यार चंदू जी। आप सबकी फिल्म देने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म नहीं, फिल्म फिल्म। मेरी बात सुनो, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। बादाम खा लो, थोड़ी अकल आएगी। बादाम खाने से अगर अकल आते ना, तो ड्राई फ्रूट के बच्चे ना साइंटिस्ट लगे होते। ड्राई फ्रूट के नहीं, ड्राई फ्रूट बेचने वालों के बच्चे। राजी में आपको आलिया भट्ट जी छोड़ गई, और अपना बड़ा पछताओगे में आपको यार हद हो गई है। एक बात बता, तू इतना घबराया क्यों रहता है?
तू गए कोई चंबल में शो कर रहा है पाजी? देखो तू क्यों इतना घबराया हुआ रहता है, मतलब तू डायपर पहन के किया कर शो। पाजी पता क्या चक्कर है, गरीब आदमी हूँ मैं, इतना मेरा है नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अमीर आदमी के सामने। क्या बोलता है यार, पता नहीं गरीब आदमी हूँ मैं अमीर आदमी के लिए। पाजी बस आप समझ जाओ। एक बात बताऊं, बड़ा प्रोफेशनल आदमी वैसे, कैसे सिर्फ लाइनें भूलता है लेकिन दोस्त को कभी नहीं भूला। ओ, क्योंकि जिस दिन दोस्त को भूलेगा इसको दुनिया भूल जाएगी। तुम लोग इसको लक्षद्वीप क्यों नहीं भेज देते हो? तो ये वहां पे करेगा क्या जाके? तो यहाँ क्या कर रहा है? इसको वहां भेजो। मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है सर शो में। पाजी मैं प्यार करता हूँ भूरी से, ये सबको पता है। एक बात बता, तो तेरे लिए क्या लाए? लंदन से कोई प्रिंस भेजू फ्लर्ट करने के लिए? I don't mind. है तेरे पास? अच्छा चलिए अगला कौन? Nobody wants to come now. चाचा जी आइए इधर। आओ चाचा जी, आओ चाचा जी आइए। ये क्या बने हुए हो? मैं अपनी तरफ से इन्होंने चाचा बनाया लेकिन लगता नहीं। ये चाचा है? हाँ जी। चलिए चाचा जी का दिखाइए। ओ चाचा जी का भी है। बेइज्जती शुरू। ये बंद करो, ये कौन हो? ये शाहरुख खान थे? मतलब किस एंगल से ये आदमी शाहरुख खान लगा? तू सब लगता लेकिन शाहरुख खान नहीं लग रहा था इसमें। सर मैंने इनको मतलब बोला क्या कोशिश कर रहे थे आप चाचा जी? नहीं मैंने इनको मना किया, मैंने बोला अक्षय कुमार बना दो, कहते फिर तो बिल्कुल भी नहीं लगोगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने अक्षय कुमार। चलो मैं मेरी तरफ बंद के दिखा। गाना नहीं गाना, अक्षय कुमार बनना है। बन रहा हूं ना। मुझे 4 बजे उठा देना। लेकिन मुझे कौन उठाएगा 4 बजे? सर कमाल, देखो अर्चना जी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें शाहरुख खान नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। अभी आप मेरे घर पे आके देखो, आता भी नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। कृष्णा जी आइए। कृष्णा जी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ आओ जल्दी, शो खत्म करना बेटे, जाना भी है। मैंने पैर पड़ रहा। चलिए सर स्टैंडिंग ओवेशन है। हाँ हाँ देखो ये आप लोगों को सीखना चाहिए, अपना घर चलाने के लिए ये आदमी मुजरा करता है। ऐसा कब किया सर मैंने? तेरे स्क्रिप्ट राइटर लिखता है, कोरियोग्राफर लिखता है? है? है। तू जाके डांस किया कर। मामा ने डांस सिखा के मार्केट में छोड़ दिया। लो भाई। कभी सारा नकली अमिताभ जी करता है, कभी जीतू जी करता है, कभी नकली जैकी करता है, सब नकली है। सब नकली। काफी कुछ। लेकिन मामा से पंगा असली लिया हुआ है। वो असली ले रहा है। तो कृष्णा जी के लिए जोरदार तालियां। इधर आओ, इनसे मिलिए, वकालत की दुनिया का टेडी बेयर। इनका वीडियो चलाओ भाई। ये देखो मिर्जा गालिब का भालू। इधर देख, ध्यान से देख, वो देख। हाँ एक शायरी वाले को खा गई वो। मैंने भी तेरे लिए एक शायरी लिखी है, तेरे जैसी गंदी तरह बोलूंगा मैं भी। जरा होश में रह दोस्त वरना चकरा जाएगा, जैसा फैल रहा है तू किसी दिन उल्का पिंड से टकरा जाएगा। अब एक बार बता। जोरदार तालियां हमारे भालू के लिए। अर्चना जी अब आप बताइए क्या यहाँ चल क्या रहा है? एक गाना गाता है, ये शायरियां बोलता है, एक डांस करता है,
तो ये लोग सब मिलके एक बैंड क्यों नहीं खोल लेते? वैसे भी चैनल का मिलके इन लोग बैंड बजा ही रहे हैं। और मैं भी देख कहाँ बात कर रहा हूँ उनसे। चले भाई, हो गया सबका खत्म। सर कप्पू? क्या कप्पू? सर कप्पू, ये तो बनता है सर। सर ये जो अभी लेने से आया है, ये औरत सेठ से पंगा ले रही है। सेठ से शर्म नहीं आती? दो बच्चों के बाप के हाथ में बाहर डालती हो। वैसे मैंने वादा किया था तुझे, मैं वादा निभाऊंगा। आपको पता है ये दुनिया के लिए कपिल शर्मा है, लेकिन मेरे लिए क्या है? क्या है भाजी? ये मेरे लिए सीए है। मतलब सीए? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा सीए जो है वो इससे हिसाब लेता है कि मैंने पिक्चरों में कितने पैसे कमाए। ये बताता है, ये बताता है। इसका इसका वीडियो दिखाओ। आदमी कभी नहीं सुधर सकता, मैंने इसको हमेशा देखा है। इसीलिए कोई लड़की सोलो आती नहीं है। बिल्कुल। तो ये करता है ना, उसका 1% दिखाया है। मुझे तो करने नहीं देता ये। हाँ। क्यों? हाँ, सारी लाइनें करता है। तुम्हें सूट नहीं करता फ्लर्ट। बात तो गलत ही है। तो तू ही क्यों करता है? ये लोग क्यों नहीं करते? खुद औरत बना हुआ किसके साथ? अब खत्म करते हैं इसको यहाँ और आगे शुरू करते हैं। और इस लड़की के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब अक्षय पाजी आते हैं तो फिर इन्हीं को पता है कि आगे शो का क्या होना है। क्या होना है? तो मेरे हिसाब से अगर आपकी इजाजत हो तो हम मेरे को-स्टार्स को बुलाइए। जी, मेरे को-स्टार्स सारा अली खान को बुलाइए। प्लीज वेलकम गॉर्जियस सारा अली खान। कॉम्प्लीमेंट तो देना चाहिए ना भाजी, आप ही ने कहा था। हेल्दी 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 फ्लर्टिंग, लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग। बस खुद ही कह रहा है वो। ओए ना कर, मेरा रोमांस निकल जाता है। मैं जेन्युइनली पाजी बोलता हूँ, मैं हमेशा सारा को बोलता हूँ, मैं सारा का जेन्युइनली फैन हूँ। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की और इतनी कमाल की एक्ट्रेस। और रोहित शेट्टी साहब ने एक बार इनके लिए बात करी थी, इनको खुद नहीं पता है कि ये कितनी टैलेंटेड है, हमारे शो पे उन्होंने बोला था। और आप बड़ी ही प्यारी लग रही हैं ट्रेलर में भी। थैंक यू। हाँ, अब फ्लर्ट मैं इस तरीके से घुमा के कर रहा हूँ। सारा को इंडस्ट्री में आए हुए अभी 3 साल हुए हैं और आप आज अक्षय पाजी के साथ फिल्म कर रही हैं। हाँ जी। और दूसरी बार हमारे शो पे 4 बार आ चुकी हैं आप, कैसा लगता है आपको मेरा क्रेज देख के? बहुत अच्छा लगता है कपिल जी, बहुत अच्छा लगता है। सारा आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मैं ज्यादा देर आपको खड़ा रखना चाहता, प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अक्षय पाजी आइए प्लीज। आप सभी जानते हैं अक्षय पाजी के भी दिवाली पे सूर्यवंशी आई, क्रिसमस पे अतरंगी आ रही है, राखी पे ये रक्षाबंधन लेके आ रहे हैं। तो क्रिसमस से राखी के बीच में जो मकर संक्रांति होली वगैरह है, उस पे आपकी क्या प्लानिंग है? पृथ्वीराज चौहान आएगी जी, जनवरी में आ जाएगी जी, मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी, और बीच में एक कौन गिरा? गिलास गिरा आपका? नहीं। गिलास क्यों है? नहीं, उनका पैर टकरा है। वो बोतल देख लो सारी गिर ना जाए जी। तो ऐसे कई फिल्में। वाओ, इस फिल्म में आपका जो गाना है चकाचक बड़ा हिट हो रहा है, वो मुबारक आपको। थैंक यू जी। तो आपको कोई पूछता आप कैसी हैं तो आप क्या बोलती हैं? फाइन चकाचक। अक्षय भाई जी, सूर्यवंशी में जैसे कटरीना का नाम रिया सूर्यवंशी था, इसमें इनका भी सरनेम सूर्यवंशी है, रिंकू सूर्यवंशी। तो ऐसे मतलब कितने और आगे फिल्मों तक आप सूर्यवंशी का प्रमोशन करते रहेंगे? आपने गन्ने की दुकान देखी है जी? तो कैसे वो गन्ने को डालते हैं, जूस, फिर वहां से निकालते हैं, फिर डालते हैं जी, फिर निकालते हैं, फिर उसमें अदरक डालते हैं, फिर डाल देते हैं जी, फिर निकालते हैं, फिर नींबू डाल देते हैं, फिर डालते हैं। जब तक निचोड़ निचोड़ के निचोड़ निचोड़ के उसका मैं जूस ना पूरा पी लूं, तब तक मैं करता रहूंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और अंदर की बताना चाहता हूँ। जैसे अक्षय पाजी ये पकड़ के ये कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि रेस्टलेस हो रहे हैं। इनका ये ऐसा क्रिएटिव दिमाग है ना, इनका चलता रहता है। टी सीरीज से 150 करोड़ आ गया, टिप से इतना आने वाला है, आनंद एल राय से पीछे जाके बात करता हूँ। ये इतना इनका हिसाब किताब चलता रहता है। आप लोग समझ गए, मैं इसको सीए क्यों बुलाता हूँ। मेरे पैसों के बारे में इसको पता है सब कुछ।
सारा जानता मैंने किससे कितना लेना है। जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, हाँ। तो आपने इस फिल्म में प्रोड्यूसर को वो ट्रिक करके दिखाई थी वो वाली, जैसे प्रोड्यूसर के पैसों पे चद्दर डाल के और उसके सारे पैसे। पता है वो गीता में वाणी लिखी होती है, उसमें से एक लाइन पढ़ाता हूँ। क्या उसमें लिखा होता है, जो आज तुम्हारा है कल मेरा हो जाएगा। पाजी बच्चों का सवाल था, वो कह रहे थे कि जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो। एक बात पूछनी है, अर्चना जी आप तो रोज ही आती हैं इस शो पे। रोज ही आती है। तो एक बात बताओ, ये आदमी हर चीज जो इसको पूछना होता है ये ऐसा क्यों बोलता है? बच्चों का सवाल था, अर्चना जी का सवाल है, है उसका सवाल था, कीकू का सवाल है, मतलब तू अपने सवाल क्यों नहीं पूछता? भाई जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो जी, हाँ। तो आपके घर में जब बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी होती है तो जादूगर बाहर से बुलाते हो कि खुद ही बन जाते हो आप? अगर छोटी हो 15-20 जनों की हो तो मैं खुद ही बन जाता हूँ, वरना फिर बाहर से बुला देता हूँ अगर ज्यादा हूँ। क्या हुआ? मेरे को लगता है जादूगर को भी साइड में लेके जाते होंगे, कितने फंक्शन करता है रोज के। मुझे बता, फिल्म में तो 4-5 आती है साल में, बच्चे तो हर सेकंड पैदा हो रहे हैं, कितना कमाता है तो ये भी मतलब पूरा हिसाब रखते हैं। अरे किसी पे तो नजर मत रख। सारा, हाँ जी, जैसे आपके पापा सैफ अली खान साहब, उन्होंने अक्षय पाजी के साथ काफी काम किया है, हाँ जी, तो आपकी ये पहली फिल्म है, आपने पापा से पूछा था कि पापा मैं अक्षय सर के साथ काम कर रही हूँ कोई टिप्स दो ताकि मैं जैसे उनके सेट पे कभी लेट नहीं पहुँच सकता कोई, या और भी कई सारी टिप्स? ये तो बहुत पहले ही पता चल गया था तो उनकी ज़रूरत नहीं थी बताने के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ उन्होंने कहा था कि अक्षय सर के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, जो कि आया। आपको मज़ा आया? आप खुद इतनी शरारती हैं और अक्षय पाजी भी बड़े शरारती हैं, मुझे पता है इनके सेट पे कभी कोई बोर नहीं होता? नहीं होता। शरारते भी करते रहते थे आप सेट पे? हाँ जी, मतलब मैं ज्यादा नहीं, सर करते थे। क्या करता? मैंने क्या किया तेरे साथ सर? आपने मेरे को लहसुन खिलाया। मुझे एक बात बताना दोस्तों, लहसुन अगर किसी को मैं खिलाता हूँ मिठाई के नाम पर, सर आपने बोला प्रसाद है। ऐसे थोड़ी कि आपने तड़का मार के कुछ सरसों का साग खिलाया, आपने बस अखा लहसुन दिया। सर दैट वाज रॉन्ग, सर दैट वाज रॉन्ग। इट वाज, यू फेल्ट बैड? I felt sick. You felt sick? A little bit. Swear on your career you ate it. I would have felt sick if I ate it. अक्षय भाई जैसे आपने सैफ सर के साथ भी काम किया जब वो नए नए आए थे फिल्मों में, उसके बाद आप सारा के साथ भी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी जनरेशन ज्यादा प्रिपेयर्ड है? Oh sure, my God. I think ये लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। हम लोग जब आए थे हमारी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, हम सीखते जा रहे थे, एज एक्सपीरियंस उठाते जा रहे थे। 60-70 फिल्में करके जितना एक्सपीरियंस मिला था, ये लोग जब आए उतना एक्सपीरियंस इनको तब से आ जाता है। तारा आपको पता है, देखो अक्षय पाजी ने शर्मिला टैगोर जी के साथ काम किया, ठीक है, सैफ साहब के साथ काम किया, अब सारा के साथ काम कर रहे हैं, और हमने एक और चीज सुनी कि आपके पास एक और स्क्रिप्ट है जिसमें आप तैमूर और उस समय जो भी हीरोइन होगी उसका लव ट्रायंगल है, ये बात सही है? हाँ। मैं तब तक काम करते रहना चाहता हूँ। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, जस्ट फॉर फन। इसमें आपको लगता कोई फन लग रहा था? इसमें जिस हिसाब से इस आदमी ने पूछा, मैं तैमूर के बच्चे के साथ भी काम करना चाहता हूँ। वाह पाजी, लव यू पाजी। अच्छा मैं कल ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसे देख रहा था फिल्म, अक्षय पाजी की एक फिल्म का वो आता ना स्लेट आती है, हाँ। उसके बाद एक कोरियन एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर उसके बाद कोई हॉलीवुड एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर कोई डच एक्टर, फिर अक्षय पाजी, सारी दुनिया के एक्टर एक तरफ और हमारे अक्षय कुमार एक तरफ, और ये भी नहीं कि एक प्लेटफॉर्म पे, हाँ। वो स्लेट निकल के दूसरे डिजिटल में भी घुस रही है, हाँ। वहां मतलब क्या बात है पाजी, मजा आता है हमें, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। सारा एक बात बताओ, जब आपने अपने घर पर बताया कि मैं फिल्म कर रही हूँ जो अतरंगी रे, उसमें अक्षय पाजी के साथ साथ धनुष भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो किसी ने कहा नहीं कि ध्यान से तीर ना लग जाए? सर सबने कहा था ध्यान से कहीं पोल ना खुल जाए, क्योंकि धनुष सर और अक्षय सर बहुत ही ज़्यादा सीनियर है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो बस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक्चुअली मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। वो कुछ और पूछ रहा, लेकिन मैं बोल रही हूँ यार, किसी ने बोला नहीं तीर वीर? अच्छा। कौन बोलता है ऐसे? वो बोलते हैं। आप ही बोलते हो ये सब? हमारे घर पे लोग ऐसे नहीं बात करते, तीर ना लग जाए ये वो। तभी तो आपके घर में किसी का शो नहीं आता।
तो दोस्तों अब वक्त है कैप्टन ऑफ द शिप मतलब फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद एल राय। नमस्कार, वेलकम वेलकम सर। आओ बैठो, कहाँ बैठो, यहाँ बैठो। आनंद सर नहीं, जोरदार तालियां हो रही है। आप बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं, बड़ी कमाल कमाल की फिल्में बनाई हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नहीं इसको ठीक, क्या कर रहे हो? देखो ये मोहब्बत है अक्षय भाजी की, इनसे डर लगता है सर। डायरेक्टर भी डरा के रखे हैं आपने। मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसे ही तो इनसे दो दो तीन तीन फिल्में करवा रहा हूँ। डरा डरोगे। पर सर आपके फिल्म का ट्रेलर बड़ा ही कमाल का है एक्चुअली, सच में अतरंगी है। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस सारा आपकी दिख रही है, और ऐसा धनुष भी कमाल के एक्टर है, और अक्षय भाजी तो क्या हाथी की सूंड पे फिसल गए। लाइम लाइट आपको लेनी लेनी मैंने देखा है, चाहे किसी के शो में जाए चाहे किसी की फिल्म में जाए। आदत। सर आपको यकीन था कि कुछ अतरंगी करेंगे तभी हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? हाँ एक्चुअली बड़ी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में यार, पर जेन्युइनली काफी अतरंगी माहौल है, और बिना आपके शो के तो ये कंप्लीट होता ही नहीं। सर लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर आपने बड़ी कमाल कमाल की फिल्में बनाई हैं, और अक्षय पाजी के साथ आपकी ये पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सूरज निकलने से पहले उठने का और चांद निकलने से पहले सो जाने का? आपको जेट लैग जैसा फील नहीं हुआ? नहीं, मुझे जेट लैग पे अभी एक नई बात पता चली जी। किसी ने रात को 12 बजे वो जेट लैग पिल ले ली गलत टाइम पे। वो कौन है? है एक आदमी। इन्हें सुबह लेनी थी वो पिल, इन्होंने रात को ले दी। मेरे को पता नहीं था सर, मैं तो पहली बार खाई, कहते इससे वो ठीक हो जाता है, तो मेरे को भी किसी ने बताया, तो अब उसका असर होना शुरू हुआ है। वो तो आप हो तो मैं जाग गया, कोई चुप रहने वाला आर्टिस्ट आया तो हम सो जाते हैं। सर हमने एक बात सुनी आनंद सर, कि जब आपने अक्षय पाजी को ये नरेशन दिया था तो पहले 10-15 मिनट में ये मान गए, तो फिल्म पढ़ के सुनाई थी कि चेक पे जीरो पढ़ के सुनाई थी आपने? नहीं, फॉर अ चेंज वो चेक के जीरो बाद में डिस्कस हुए हैं। अच्छा, पहले फिल्म होगी। वाओ, तो पर ये बात सच्ची है कि 10-15 मिनट में उनको हो गया कि नहीं यार ये फिल्म अच्छी है, ये करते हैं? हाँ, मतलब मेरे को ये लग रहा था कि शायद इनको मैं ये रोल सुनाऊंगा, ये बोलेंगे यार पूरी जिंदगी मैं सबसे आगे वाला रोल करता रहा हूँ तो मुझे ऐसे क्यों आके जिसमें सारा धनुष ये लोग, पर इनका वहीं से ही समझ में आ गया कि ये प्यार में पड़ेंगे और अच्छे से प्यार में पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये कहानी के प्यार में पड़े, किरदार से पहले। तो वो देख के मेरे को जेन्युइनली एज ए डायरेक्टर आपको बहुत खुशी होती है। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा आनंद सर ने अतरंगी के आने से पहले अक्षय पाजी के साथ रक्षाबंधन कंप्लीट कर ली, और रक्षाबंधन के आने से पहले गोरखा पे काम शुरू कर दिया, तो आपने एक साथ तीन फिल्मों में कैसे फंसाया इनको? आपके पास इनका कोई वीडियो है कि इनके पास आपका कोई वीडियो है? सच बताएं तो मैंने इसमें फंसाया, क्योंकि इन्होंने अपने करियर में 2 या 3 साल में एक फिल्म की है, राइट। लेकिन इनको मैंने बोल बोल के कहा है कि जब मैंने पहली बार इनको मिला था, कुछ दिन मैंने इनके साथ काम किया तो मेरी थोड़ी दोस्ती हुई इनके साथ, तो मैंने इनको पूछा कि आपने क्या सोचा है जिंदगी में आगे क्या करना है, कि मतलब कितनी फिल्में करनी है? कहता मैं सोचा हुआ है अपने लाइफ में ना 6 से लेके 7 फिल्में करनी है। अच्छा, डायरेक्ट। बोला आप पागल हो? इतना भगवान ने आपको टैलेंट दे रखा है, उसको ऐसा छुपा के अंदर रखोगे? मतलब आपने 25 से कम नहीं बात करनी। आज इन्होंने रक्षाबंधन भी खत्म कर दिया, अतरंगी भी खत्म कर दी, अब इनके पास 23 फिल्में और बनानी है इन्होंने। वाओ। सर सारा को मैंने देखा है ना, ये अपने सोशल मीडिया आज इतनी शांत कैसे बैठी है, नई नई बहू की तरह बोल ही नहीं रही कुछ, पता नहीं शायद ऐसे रिस्पेक्ट में बैठी हुई, नहीं तो ये इतनी शरारतें करती है। नहीं सर, ये रिस्पेक्ट में बैठी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरी फिल्म देखी अतरंगी, इतना बेहतरीन काम किया इस लड़की ने, नो डाउट। I was taken aback. The whole film belongs to her, then to her Dhanush, and then to me. Wow. जब मैं भी इसके Instagram पे कभी वो देखा है, वो जो वीडियो करती है,
ये अलग है और ये लड़की जो पिक्चर में वो बिल्कुल ही अलग है. ये लगता ही नहीं दोनों का कोई मेल है. आई थिंक ये अपने अभी उस अवतार में है. अब ये इसको उस अवतार में थोड़ी देर रहेगी. अब मुझे लगता है भाजी एक्टर का वैसे शरारती होना बड़ा जरूरी कि नहीं. मुझे नहीं पता, ये आप बताओ. आप हो ही शरारती खुद. मैं अलग किस्म का हूँ. नहीं पर सारा आप मानती वैसे एक्टर शरारती होना चाहिए है ना. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैंने देखा जब आप पहली बार हमारे शो पे आई थी ना. हाँ. पूरा मेला लूट लिया था आपने. ऐसे क्या? मैं तभी समझ गया था. मैंने कहा यार ये लड़की आई है और बड़ी कॉन्फिडेंट है और जेन्युइनली मैं दिल से बोल रहा हूँ बड़ा कमाल लग रही हैं आप. थैंक यू. सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. तो आनंद सर जो ये वीडियो डालती हैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे. हाँ. तो वो देख के आपने सोच लिया था कि यही लड़की है कि ऑडिशन भी लिया था आपने? नहीं ऑडिशन तो नहीं किया. अच्छा. बट हाँ इसकी एनर्जी इसका टेम्परमेंट और एक वो वाली क्वालिटी की मुझे कुछ कर लेना है मतलब उस लेवल पे तो उसको देख के लगा था यही है ये किरदार ये बहुत अच्छा निभाएगी. वाओ. ऐसा तो और भी लोग सोचते हैं कि मुझे मिल जाए एक बार मैं बड़ा अच्छा करूंगा. उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको आप बुलाते नहीं इसलिए वो फिर लगे होते हैं हर शनिवार हेलो एंड वेलकम करने. मेरे को एक बार आनंद सर मिलके बोलते ऋषिदा होते ना तो मैं लेके बड़ी अच्छी फिल्म बनाते. मैंने कहा सीधा बोलो आपने नहीं बनानी मुझे. कपिल ये देखो ना कि जहां आप नहीं पहुंच पा रहे वो सब आपके पास पहुंच रहे. अरे क्या बात, क्या बात है. मना करने का कितना बेहतरीन तरीका. तू भी शब्दों का धनी आदमी है ये भी शब्दों के धनी है. मैं समझ गया सर. और हम दोनों फंस गए रजिया. जैसे सर फिल्म का टाइटल है ना अतरंगी. अपने देश में बड़ी अतरंगी अतरंगी न्यूज आती हैं. मैं आपको कुछ अतरंगी न्यूज दिखाना चाहता हूँ. रियल न्यूज देखिए आप कैसे कैसे न्यूज आते हैं. दिखाइए. खुद को देवी शक्ति बताकर पति से दबवाती थी पैर मुकदमा दर्ज. ये ओरिजिनल कपड़े हैं. पति को वैसे ही पैर दबाने चाहिए थे यार. उसको देवी शक्ति बोलने की जरूरत क्या थी है ना. हाँ, ये एक्चुअली हर कोई आपके जैसा थोड़ी ना टैलेंटेड. इस बात पे हो जाएगा. यार ये कटोरी गिरी थी यार. कटोरी नहीं इनके भी बड़े अतरंगी तरीके हैं. परफ्यूम वाली शीशी में डाल के ले आती कभी. कभी कभी मन किया तो पूरा नारियल. सडनली हमें लगता नारियल पानी पीते पीते आंखें को टेढ़ी हो रही है. कौन आ रहा है एपिसोड में. मैंने कहा मैडम हो गया शूट. तेरा नाम तू तो खराब करते ही करता था. अभी अक्षय भी करने लगा है. अच्छा चलिए आगे. मैं शादी करता नहीं हो जाती है. आय का साधन नहीं फिर भी चल रही है जिंदगी. तो ये भाई साहब किसी कंट्री के हैं. उम्र इनकी है 84. शादियां उनकी 86. बच्चे हो गए 170. ओह माय गॉड. तो इनको लिखने की जरूरत नहीं थी आय का साधन नहीं क्योंकि आय का साधन होता तो ये सब होता ही नहीं. बंदा भी देखो आप कितना मेहनती है. फोटो भी पूरी नहीं खिंचवाई पासपोर्ट से छपवा दी और उसके बाद सीधा चला गया फिर अपने काम पे. अगली. हाँ. पत्नी की बकबक से तंग पति 62 साल तक गुंगा बहरा होने का नाटक करता रहा. ओह माय गॉड. देखो ऐसे भी हैं दुनिया में बेचारे. वाओ. ये अच्छा तरीका है. ये अच्छा तरीका बोल दिया. अभी इनको स्क्रिप्ट सूझेगी पूरी. मुझे तो लगता है आपने डेट भी फाइनल कर दी कि ये तो मैं ही करूंगा. मैंने तो बैंक में भी डाल दिया. और आगे दिखाइए. 7 मई को जिस पंडित ने करवाए थे 7 फेरे 23 को उसी के साथ गहने और नकदी लेकर दुल्हन गायब. ओह माय गॉड. वाओ. और दिखाइए. दामाद से दिल लगा बैठी सास. कोर्ट मैरिज करके लौटी घर तो बेटी हुई बेहोश. देखो आप आगे दिखाइए. 72 घंटे मलबे से जिंदा निकला और पूछा मेरी चप्पल कहाँ है. सोचो इतनी देर बाद आदमी निकला. सॉरी ऐसे सीरियस न्यूज पर रहा. उसने सवाल ही ऐसा पूछा निकल के कि मेरी चप्पल कहाँ है. मेरी चप्पल कहाँ. और दिखाइए. ये तो बेस्ट है. यार अक्षय कुमार जी सारा अली खान जी आना मेरा भाई. इधर. अरे कहाँ पर है. एक मिनट. ओ भाई बैठिए बैठिए वकील साहब थक गए होंगे आप. ओए तो तुम लोग निकलो भाई. हो गया पैदल चल के आए थक गए होंगे आप. आए भाई नहीं. ओ हो
कहाँ से आ रहे हैं? मैं राजस्थान से एक बहुत ही हाई प्रोफाइल वेडिंग अटेंड करके आ रहा हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसी शादी लाइफ में नहीं देखी, क्योंकि उन्होंने मुझे देखना ही नहीं थी। पट्टी बांधी, चलो चलता है, लेकिन काफी कौशल मंगल से ये निपट गई। वैसे अक्षय कुमार जी तो मुझे बखूबी जानते हैं, लेकिन प्लीज सारा अली खान जी और आनंद एल राय जी से मेरा तारुफ करवाइए। अरे सारा, आनंद सर ये अतरंगी रे में जो हाथी नहीं है जिसपे स्लिप मार के अक्षय बाजी आते हैं, वो इनके चाचा जी हैं। ये जल्दी में अपनी सूंड रानी भूल गए, नहीं तो आप पहचान जाते। ब्लड रिलेशन नहीं है हमारा, लेकिन बस चाचा कहता है वो मुझे। हाथी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं? इनकी एक और खासियत है, 2026 में ये फटने वाले हैं। ये मैं बता रहा हूँ शर्मा जी, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? अक्षय कुमार जी कल आके कहेंगे कि भाई यहाँ पर एक कलाकार फटने वाला है, मैं नहीं आता। मैं नहीं फटूंगा सर, और भाई साहब फटा भी तो लिमिटेड एरिया में फटूंगा, तो टेंशन नहीं लेना। यू प्लीज कम, ओके। मैं एक बात मैं सच बताना चाहूंगा अक्षय कुमार जी आपके बारे में, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये आदमी इतने मेहनत करके इन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं शर्मा, इसमें फायदा हमारा है। कैसे? हमारे साल के 8 से 10 एपिसोड कम बनते हैं अगर ये इतनी फिल्में ना करते। बिल्कुल, तो भाई थैंक यू बोलो। थैंक यू, दिल से कह रहा हूँ सर, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। और जो फिटनेस फ्रीक है ये, नहीं एक चीज लेकिन माननी पड़ेगी, जितने फिटनेस फ्रीक ये है उतने ही फिटनेस फ्रीक सारा अली खान भी है। इतना नहीं। कैसे? नहीं नहीं, मैंने इनकी फिल्म में देखा, 21 बार ही अपने घर से भागी है। भाई पंजाब के घरों में लोग इतना साग नहीं लेते जितना ये भाग लेती हैं। वो तो अच्छी खासी फिट है, आप भी दिन में एक बार तो कम से कम भागा करो। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है सुबह सुबह मुझे वो नहीं मिलता। क्या? इंस्पिरेशन? नहीं नहीं, जूता। कोई बात नहीं, चलो ये सारी चीजें भी चलती रहेंगी, लेकिन मेरा सुना इतना बिलीफ ही नहीं है। आई थिंक फिटनेस इज ऑल इन द माइंड। अच्छा यार, मन मार के बॉडी बनाओ, उससे अच्छा मक्खन मार के पराठा बनाओ। बहुत बढ़िया, और फिर मजे से उस पराठे को खाओ और कुत्ते की तरह फैले रहो। ये कैसी फालतू की सलाह दे रहे हैं आप उनको? यार मैं वकील आदमी हूँ, मैं सलाह ही दे सकता हूँ, सलाह तो दे नहीं सकता। खैर सारा जी, बहुत खूबसूरत हैं आप। थैंक यू। इस बात में मेरे जहन में एक शेर आया है, इरशाद। बोल ना, जल्दी बोल। तो अर्ज गया है, नॉक नॉक, सोफा ना तोड़ देना मेरा। नॉक नॉक, हूज देयर? Knock knock, who's there? Whoever is there, उससे हमें क्या लेना? Knock knock, who's there? Whoever is there, उससे हमें क्या लेना? Sara, I want to talk to you. अपना private mobile number तो देना। वाह, देखो मेरी बात सुनो, ये शरेआम जो आप सारा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आप जानते हैं उनके पापा कौन है? सब जानते हैं इनके पापा कौन है, पर क्या आपको पता है मेरे पापा कौन है? कौन है? वही तो प्रॉब्लम है, कोई नहीं जानता मेरे पापा को। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, मेरे पापा से मिलने के लिए लोग मरते हैं। ऐसा क्या काम करते हैं? He's जल्लाद, बेसिकली। लोग अपने प्लान बनाते रहते हैं, ही एग्जीक्यूट। आनंद एल राय जी, आप इतनी सारी फिल्में बनाते हैं और मैंने अभी सुना कि और आप 20-25 बनाने वाले हैं, उसमें से एक आध फिल्म में मुझे लीजिए ना। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप एक आध में पूरे आ जाएं, नहीं तो 2-3 में तो कर ही लूंगा। चलो और अच्छी बात है भाई, 2-3 फिल्में मिल रही हैं मुझे। फालतू की बातें करवा लो इनसे, टैलेंट भी तो होना चाहिए इसके लिए। टैलेंट मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। वो टैलेंट नहीं है। अरे नहीं भाई, मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि हर तीसरे दिन मुझे कोई कूट के जाता है। बहुत ज्यादा मैं निशाना कमाल का, मैं आपको दिखाता हूँ, आप यकीन नहीं कर रहे। एक मिनट, ये कहाँ है? ये मैं आपको निशाना लगा के दिखाता हूँ, यू सी नाउ। एक मिनट, इसमें बांध तो है नहीं? हाँ बांध तो है नहीं।
अब ये तो होना ही है भाई, आप अपने साथ धनुष नहीं लाए, हम अपने साथ बाण नहीं लाए। बहुत अच्छे भाई, हमारी सभ्यता में इसे टिट फॉर टैट कहते हैं। अब देखिए, मैंने थोड़ा अपना नमूना भी दिया है सर। हाँ। एक फिल्म में ले लीजिए, मैं अपनी डायलॉग राइटिंग भी कर लूंगा। अक्षय कुमार जी, आप यकीन नहीं करेंगे, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये जो बैठे ना यहाँ पे राइटिंग करते हैं जो सारे, हाँ ये जो आगे के, ये आगे बैठे, हाँ ये, इन्होंने मुझे लिख के दिया था कि उनसे कहना अक्षय कुमार जी से जब वो आएंगे कि आपकी फिल्म में आप आग से जल रहे हैं, तो अक्षय कुमार जी आप इतने पैसे कमाते हैं, आप किसी से क्यों जल रहे हैं? ये इन्होंने मुझे लिख के दिया, मैंने साफ मना किया कि ये लाइन मैं स्टेज पे जाके नहीं बोलूंगा। बोल तो रहे हैं अभी आप। मैंने बोली नहीं है, मैंने ये अभी अभी क्या बोला मैंने, नहीं, ये मैंने बोली नहीं है, मैंने बताया कि उन्होंने कहा बोलो, मैंने बोली नहीं है, मैं बताया, बताने में बोलने में फर्क है। पाजी, इनको हमारी क्रिएटिव टीम ने कहा था ये लाइन मत बोलना, इन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से बोलूंगा कि उनको लगेगा नहीं कि मैंने बोली है, उनको लगेगा मैंने बताई है। ए! आप चाहें तो इनका नारियल तोड़ सकते हैं। ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? एक तो अक्षय कुमार जी, जब आप आते हैं ना, समझ में नहीं आता कि अपना कौन है, पराया कौन है। सारी टीमें इधर की उधर हो जाती है, सब मिक्स हो जाता है। आप करने क्या हैं इधर आज? नहीं, लोग अपने पीछे पड़ जाते हैं। करने क्या हैं आप? मैं यहाँ पे डरने आया हूँ। आप लोग मुझे डराते रहिए, मैं डरता रहूंगा बस। लेकिन सारा अली खान जी, मुझे एक और चीज आपके साथ शेयर करनी थी। बताइए। हमारी ये जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर इतने कमाल के गाने बनते हैं जी। लोग मेहनत करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाना बनाते हैं, वो लिरिकिस्ट हैं, वो लिखते हैं, फिर अपने सिंगर हैं, गाना गाते हैं, इतनी मेहनत जुड़ के एक गाना बनता है जी। और कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे कलाकार आते हैं, गाना सुनते हैं, लेकिन डांस किए बिना चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सारा एक बात बताइए, जैसे फिल्म में आप 21 बार भागने की कोशिश करती हैं, पकड़ी जाती हैं। हाँ जी। आप शरारती तो हैं बहुत, ये तो हमें पता है, कभी बचपन में कोई ऐसी शरारत की जो आप शरेआम पकड़ी गई हो? बहुत की है। एक बार मैंने अपनी मम्मी को झूठ बोला, जो कि नहीं बोलना चाहिए, यू मस्टन्ट लाए। मैंने मम्मी को बोला कि मैं पड़ोसी के घर हूँ, लेकिन मैं लोकल ट्रेन लेके एल्फिंस्टन रोड चली गई। क्यों? एक और फ्रेंड से मिलने। अच्छा। हाँ, तो जब मैं वहाँ गई थी, तो अगली सुबह मम्मी कमरे में आई और उन्होंने बोला था कि कल कहाँ थी। मैंने बोला, मैंने कहा ना, मैं पड़ोसी के घर गई थी। तो एक्चुअली उनको किसी जर्नलिस्ट ने फ़ोन किया था और बोला दैट अमृता जी, आपने अपनी बेटी को इतनी अच्छी तरह से ब्रिंग अप किया है, यू नो शी यूजेस लोकल ट्रेन एंड ऑल। मैंने बोला व्हाट, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के फोटोग्राफर को मेरी तस्वीर मिल गई थी। अच्छा। लोकल ट्रेन पर और मैंने मम्मी को झूठ बोला। तो उसके बाद आपने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की मैं बिना बताए मम्मी को? उसके बाद भी की, लेकिन फोटोज अब तक नहीं छपे हैं उसके। थैंक गॉड। ये कुछ आपके फैंस के सवाल है। बताइए। कि अतरंगी रे फिल्म तो आपकी आ रही है, उसमें आप काफी अतरंगी हरकतें कर रही हैं, रियल लाइफ में आपने कभी कोई ऐसी अतरंगी हरकतें की हैं? कभी पीठ पे बड़ी खारिश होती कभी कभी? हाँ जी। है ना, तो हम देखते हैं कि आसपास कोई है नहीं, और कई बार पीठ पे हाथ भी नहीं पहुंचता। हाँ। तो फिर आदमी दीवार के साथ रगड़ के ऐसे करता है ना, कभी आपने किया है? मेरे हाथ पहुंच जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ जी। आप चाय पीती हैं? हाँ जी, कॉफी बेहतर है। लेकिन कॉफी, ओके, तो कभी कॉफी में हम लोग बिस्कुट डिबोते ना, तो बिस्कुट टूट जाता है। हाँ जी। फिर हम दूसरा बिस्कुट लेते हैं। हाँ। और पहले वाले को ढूंढते हैं। हाँ जी। और दूसरा भी टूट जाता। हाँ। है, ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ जी। सारी हरकतें आपकी हमारे वाली हैं। है ना? है ना? मैं आप ही की जैसी हूँ कपिल जी। कभी ऐसा किया? कभी कभी हमें ऐसी जुराब मिल जाती है, हम पहनते हैं, पता चलता है अंगूठा बाहर ऐसे करके निकल आता है। हम सोचते हैं कि जूता पहन लो, कौन सा किसी को पता चलेगा। फटी जुराब पहन के गई आप कभी? हाँ जी सर, मेरे अक्सर कपड़े फटे ही होते हैं, बस भाड़े वाले अच्छे होते हैं, मेरे पर्सनल वाले सब फटे होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही।
वो जो आते नहीं लस्सी के पैकेट छाछ के, हाँ जी, वो जब खत्म हो जाते हैं स्ट्रॉ में, फिर हम स्ट्रॉ निकालते हैं, हाँ, फिर उसको देखते हैं कि उसमें लस्सी बची है, और खटक से एक बूंद आंख पे गिरती है, तो कभी कभी ऐसा आप करती हैं ऐसी हरकतें? मेरा जो क्रीम होता है घर पे, टूथपेस्ट होता है, वो भी मैं कैंची के साथ काट काट के ऐसे ऐसे इस्तेमाल करती हूँ, जब तक पूरा वसूल ना हो जाए ना मैं छोड़ती नहीं। लवली, वेरी गुड। कभी ऐसा हुआ आप नहाने गई हो और फेस वॉश खत्म हो गया, फिर आपने शैम्पू से मुंह धो लिया हो? नहीं, फिर मैं नहाऊंगी नहीं, कोई बात नहीं। लड़की ईमानदार है, ऑनेस्ट है। आनंद सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्षय पाजी को बताया, सारा को भी बताया, हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, स्टार्स होते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे, लोग नीचे कमेंट्स बड़े अच्छे अच्छे करते हैं जी, तो वो कमेंट्स हम लोग निकाल के रखते हैं, फनी फनी कमेंट्स। राइट, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबके, प्लीज हैव अ लुक, दिखाइए जरा। सारा की ये पिक्चर है, सारा ने कैप्शन नहीं लिखा है, ओके दिखाइए कमेंट्स। कैसे पढ़ सकते हो ये? अभी आएंगे ना, ये देखिए, फोटो का इतना बुखार, कम से कम नींद तो पूरी कर लेती। नीचे किसने लिखा, दीदी मेरे घर पे कंगी है, भेज दूं? ये कौन है जो दीदी बोल रहा है आपको? और दिखाइए, जल्दी जाओ, पहले ब्रश करो फिर नहाओ, बालों में तेल जरूर डालना, तब फोटो अच्छी आएगी, थैंक्स मी फॉर ब्यूटीफुल एडवाइस। जिसने रिप्लाई लिखा है, आपके फैन ने, बिना मांगे एडवाइस नहीं देनी चाहिए, तो तू क्यों दे रहा है? Nice, nice. सारा भी लाइक, ये भी कोई तरीका है उठाने का, पंखा किसने बंद कर दिया? हाँ, हमारी मम्मी अक्सर कभी कभी कर देती। दिखाइए और, मिस्टर एंड मिसेज सूर्यवंशी सोकिंग अप सम सनशाइन। अच्छा, वाइल वेटिंग फॉर 5th November। दिखाइए नीचे कमेंट्स, शादी से पहले डर दूर भगाते हुए खिलाड़ी कुमार। दोनों नीचे आ जाओ, फिल्म हिट हो गई है। किसी लिखा, बेटी तुम अच्छा स्टंट कर लेती हो, तुम मेरी बहू बन सकती हो, तुम्हारा श्याम कौशल। ओह सॉरी श्याम सर, ये हमारा नहीं है। मैडम हेलीकॉप्टर आएगा और अक्षय कुमार तो लटक के निकल जाएगा, आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। और दिखाइए, दिखाइए जरा कमेंट्स, सीट कंफर्म हो जाती तो ट्रेन के अंदर बैठे होते। चार्ट लेके बैठे हो तो देख के बताना आरएसी कंफर्म हुई कि नहीं। मैं जुगनू 32 साल, पीछे जो बंदा खड़ा है वो बीबी को छोड़ने की खुशी में ये भी भूल गया कि पास में अक्षय कुमार बैठे हैं। और दिखाइए, ओनली फ्रॉम द हार्ट कैन यू टच द स्काई। हार्ट, हार्ट, दिल से। हाँ ठीक है, हार्ट, समझने वाले समझ जाते हैं। दिखाइए कमेंट्स और, इसीलिए कहते हैं ऑफ सीजन में जाना चाहिए, होटल के पैसे देकर भी पेड़ पे सोना पड़ रहा है। पेड़ पे आप फोटो खिंचाने चढ़ी हैं या पीठ खुजाने? इसलिए आपका सवाल। अरे घमोरी लाल, खुजली तुम्हें होती है, वो सन बात ले रही हैं। रिप्लाई किया किसी ने, फैन ने, लड़ते हैं फैन आपस में। और दिखाइए, सुंदर लड़कियों को सीधे लड़के और सीधे पेड़ पसंद नहीं आते। वाह वाह, इन्हें ऐसे पेड़ कहाँ मिल जाते हैं, हमारे यहाँ तो नारियल के पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं। मैडम पेड प्रमोशन कर रही है। अच्छा वर्ड प्ले। आगे दिखाइए, ग्रोइंग अप माय सिस्टर अलकावाज माय फर्स्ट फ्रेंड, इट वाज द मोस्ट एफर्टलेस फ्रेंडशिप। रक्षाबंधन की फोटो, ओके इस पे दिखाइए कमेंट्स। घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, वक्त तो अक्षय कुमार का ही चल रहा है। अक्षय भी लाइक, इतनी सारी घड़ियां दे रहा हूं, सुबह टाइम पे उठ जाना। और दिखाइए, नाम राय रख लो, फिर भी अक्षय कुमार ही राय देगा। अक्षय भी लाइक, मेरे साथ काम करोगे तो 1 साल में 4 फिल्म करोगे, वरना 4 साल में 2 ही आएंगी, सोच लो। आगे, हॉर्न नॉट प्लीज, हॉर्न नॉट ओके प्लीज,
अच्छा ओके भी अच्छा बहुत बहुत छोटा है दिखाइए जूता थोड़ा और ऊपर खींच लो पेंट बन जाएगी इतने बड़े जूते हैं इनके मोजे कितने बड़े होंगे रिप्लाई पहन तो रखे हैं नीले मोजे अबे वो जीन्स है और दिखाइए व्हाट एन आर्गुमेंट टू हैव थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स अक्षय कुमार सर एंड deriving truth in this में काफी लंबा है कमेंट्स पढ़ते हैं बता रहे हैं पांच लोग बैठे थे दो गिर गए आनंद जी सर्कल से पहले उतर जाना नहीं तो डंडा पीछे वाले के ही पड़ता है ओह बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है ये पीछे वाला ही करता और दिखाइए अक्षय कुमार सुबह सुबह घर से सबको शूटिंग पर लाते हुए एक स्कूटर पर तीन तीन ना जाएं आप भी अपना अपना स्कूटर खरीद सकते हैं हम सोना गिरवी रख के स्कूटर देते हैं जब घर में पड़ा हो सोना तो क्यों तीन तीन को ढोना और ओके थैंक यू धन्यवाद थैंक यू खैर अतरंगी रे की पूरी टीम के लिए जोरदार ताली हो जाए सर मैं पिक्चर का प्रोमो देखी मेरे को बहुत अच्छा लगा आप उसमें जादूगर है ना जैसे आप जादू करके सा कबूतर निकालते हैं ना नाला सोपारा में एक लड़का है वो मच्छी निकाल देता है वो भी जादूगर है नहीं मछुआरा है वो वैसा नेट फेंकता है ना मच्छी निकलता है खैर आपको बताऊं मेरे को भी जादू आता है सारा करके दिखाऊं मैं दिखाओ हाँ अभी देखना अभी आनंद सर की जो कुर्सी है ना अभी उड़ेगी देखना हवा में उड़ेगी नहीं आपको नहीं बोली है इसको बोलती हूँ ठीक है हटा सावन की घटा खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा मत ये तोड़ नहीं रही आज हवा थोड़ी कम है ना और वैसे भी अक्षय सर के सामने किसकी उड़ने की हिम्मत है बाबा कोई उड़ सकता है क्या खैर आनंद जी कैसे बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है आप हमारे हर एपिसोड में आते हो अरे ये तो पहली बार आए अरे नहीं जो भी हमारा एपिसोड देखते हैं ना पब्लिक वो बोलती है आपका हर एपिसोड देख के आनंद आता है आज तो डबल आनंद आ गया कोई फिल्म की बात करना तू आई बिग फैन यू थैंक यू मैंने आपकी सब फिल्में देखी सर आपने वो बनाई थी ना जीरो आपने जीरो बनाई आपकी तारीफ हुई मैं जीरो बनाई मैं अंदर हो गई क्यों अरे मैं 200 के नोट पे ना ऐसा जीरो बना के उसको 2000 बना के चला रही थी तो इन लोगों ने मेरे को अंदर कर दिया अरे वो सपना वो करके बताना सारा को वो बड़ी फैन है तुम्हारी उस चीज की किसकी तुम्हारी एग्जिट की लेके बताना मैं एग्जिट नहीं लेगी मेरे को आप इनसे बातें करनी मैं बहुत नाराज हूँ सर आपसे क्यों क्यों जब से आए ये मुझसे ही बातें की जा रहे हैं उनसे तो एक बात नहीं की हाय सारा मैंने आप लोग की पिक्चर का प्रोमो देखा इस फिल्म में आप ऐसे 21 बार भागी है ना हाँ जी और पकड़ी भी गई हाँ और मेरा देख लो मैं भागी भी नहीं सोते सोते पकड़ी गई मैं कैसे कैसे अरे मैं ट्रेन में ना विदाउट टिकट स्लीपर क्लास में सो रही थी तो वो टीटी ने आके ना मेरे को पकड़ लिया और ये तो कुछ भी नहीं है मेरे बाजू में जो लड़की थी ना उसके पास तो टिकट थी फिर भी टीटी ने उसको पकड़ा क्यों उसको क्यों पकड़ा वो घर से भाग गई थी ना तो टीटी ने क्यों पकड़ा अरे टीटी उसका बाप था ना कैसे क्या यार खैर आनंद सर आपने सर बहुत हीरोइनी लोग को काम दिए लाए मेरे को भी कुछ काम दो ना मस्त ऐसा पिक्चर में मैं भी करूंगी एक्टिंग आती तेरे को अरे एक्टिंग क्या मैंने अभी बहुत बड़ा ऑडिशन दिया अर्चना जी बहुत बड़ी पिक्चर में ना 200 लोगों का ऑडिशन हुआ था अच्छा हाँ शॉर्ट लिस्ट में मेरा ही नाम था बाकियों क्या बाकी सिलेक्ट हो गए थे हो गया तेरा सपना चल अभी निकल यहाँ से अरे नहीं ऐसे कैसे जाएगी सर हमारा पार्लर था इधर जो इसने तोड़ दिया हमारा तो मसाज आपको मालूम है अलग अलग टाइप का मसाज रहता है जी, जी। हमारे पास एक मसाज है आपके लिए टेंशन मसाज टेंशन इसमें क्या होता है अभी क्या आप लोग शूटिंग करते रहते हैं बहुत टेंशन होता है तो ये सबसे अच्छा मसाज है इसमें क्या रहता है कि कस्टमर आता है ठीक है फिर मेरी दो असिस्टेंट आती है हम कस्टमर को तेल लगाते हैं एक असिस्टेंट जो है उसको टकला करती है और दूसरी असिस्टेंट जो है उसके पैर में घुंघरू बांधती है
फिर मैं इधर डंडा लेके खड़ी रहती है, मेरी दूसरी असिस्टेंट उधर डंडा लेके खड़ी रहती है, मैं इधर से डंडा सर पे मारती, आवाज आती है टन, वो मारती आवाज आती है शन, फिर टन शन टन शन, ऐसे हम लोग का टेंशन मसाज रहता है। मजा नहीं आया अक्षय सर? नहीं फिर ये तो बाबा हमारे मेन ये तो हमारे मेन क्लाइंट है बाबा, मेन क्लाइंट, ये सच्ची में हमारे मेन क्लाइंट है सर, हमारा शो इनकी बदौलत चलता है बाबा। आपको पता है सर हमारे शो पे ना बुकिंग रहती है। हाँ बुकिंग्स रहती है। अभी अक्षय सर कैसे है, जैसे अगले साल इन्होंने 9 एपिसोड बुक किए हमारे। मैं दिखाती ना आपको, देखिए मैं ही बता देता हूँ। नहीं नहीं देखिए मैं पूरी तैयारी कैसे। अच्छा 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 दूर जाके बता। 9 एपिसोड की बुकिंग। ओ उसमें 3 फिल्में मेरी नहीं है। कोई बात नहीं, आप कल साइन कर लेना ना। तो सर हमारा ऐसा रहता है इसमें, तो इफ यू वॉन्ट एनी बुकिंग फॉर आर शो, तो आप भी बुकिंग कर सकते हैं सर अपनी पिक्चरों का। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इन्होंने रक्षाबंधन इन्हीं की है। हाँ रक्षाबंधन आप आने वाले हैं ना उसके। हाँ इन्हीं की है। तो सर ये देखिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है सर जी, ये अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और आप तो सर क्या बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, यहाँ हम आपको नकली जग्गू दादा, नकली जीतू जी, नकली धर्म जी, नकली अमित जी सबसे मिलवाएंगे। हाँ बिल्कुल। और वकील चंदन शुमोना वो सब भी तो है। अरे उनका मजा नहीं आता इतना, छोड़ दो उनका क्या मजा है। ठीक है सर, तो कॉन्ट्रैक्ट पक्की, रक्षाबंधन के लिए भी मिलेंगे हम लोग। ये पिक्चर आपकी सुपर हिट होगी, एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू बाय। तो एक बार जोरदार तालियां अक्षय बाजी, सारा और आनंद सर के लिए। सारा आइए प्लीज। अक्षय बाजी थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सारा, थैंक यू आनंद सर, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अतरंगी रे के लिए। और दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। Thank you.